विनेद भाई, 7-8 मरतबा आपको कह चुका हूँ कि मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम है और दर्द नहीं जा रही, देख ले जरा। मैंने तुमने 7-8 दफा कहा है तो 5 दफा तो मैंने देख लिया था ऐसे ऐसे देख लेते, पीछे फिल्म चल रही है तो आपने देख के कह दिया ये 100 हफ्ता चलेगी, 100 करोड़ करेगी ये। पहली बात तो ये है कि ये स्पाइन नहीं होती, ये शोल्डर होता है। अब हाथ नहीं जा रहा उधर लेके जाओ ना, तुम मरीज हो लेके जाओ, बताओ। मैं कैंगरू का बच्चा हूँ, हाथ उधर से लेके पाइन पीछे होता है ना, ये वाले देखें। अब ठीक है, अब हाँ ये ठीक है, ये एक तो एक चीज सही समझानी पड़ती है। हाँ, बल्कि कैमरे से दिखाओ कि स्पाइन ये है। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने कहा था किसी डॉक्टर से बात करें, आपने खुद कहा था। मैंने कहा था ये आपने कहा था कि पैकेज कर लेंगे। अब सारी बातें यार, तुम ज्यादा फ्री नहीं हो गए व्यूअर्स के साथ सारी जाती बातें करने के लोग। मैंने नाज़रीन को कहा था कि हम डॉक्टर जावेद असगर साहब के पास इकट्ठे चलेंगे, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, तो हम पैकेज कर लेंगे, जरा वो 10 रुपए कम ले लेंगे। मैंने कहा अगर उन्होंने इंजेक्शन भी कहा ना, पैसे डाल के दोनों आधा आधा लगवा लेंगे। और ये भी हो सकता था कि वो तुम्हें कोई और इंजेक्शन कहते, मुझे कोई और इंजेक्शन कहते, हम कहते हैं चलो मिक्स करके लगा दे आधा। फिर तो हमारी डॉक्टर से लड़ाई थी, ये प्रॉब्लम हमारा एक है, इंजेक्शन अलग अलग क्यों है। और विक्की साहब, ये छोड़े डॉक्टरों को, ये आप मुखड़े को खिदमत का मौका दें, ये तारे मीरे के तेल के साथ आपको दो हाथ लगाएगा, आपने यूं ठीक हो जाना। ये दर्द मुखड़े जैसे बंदे से निकली है। ये दिस इज अ पॉइंट कि ये दर्द मुखड़े जैसे लोगों की वजह से खराब हुई है। आप इसे पूछ के देख ले कितने साल से इसके ये L4 L5 की प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन है, और ये इसी तरह अताइयों के हत्थे चढ़ा हुआ है। कोई कह देता है कि जनाब फलां मालिश करवा लें, कोई कह देता है जी के फलां कीम के पास चले जाएं, कोई कहता है जी हवेली लखे चले जाएं, कोई कहता है वहाँ कीम है वो ये कर देगा। इन्हीं बकवासियात की वजह से आज इसका प्रॉब्लम जो है वो इतना सीरियस है कि ये 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। और कई तो यही रोटी खाते खाते कह देते भाई मैंने हाथों लगे, मैं उन्हें ठीक कर देना तेन। हाँ, और ऐसा ठीक करता सारी अलाइनमेंट खराब कर देता। अच्छा, जा इधर जा, मुँह इधर हों। आप ये देखिए, वो कभी ये नहीं कहता कि चल मैं रोटी बाद से खा लूंगा, पहले ठीक कर देंगे। वो ये कहते पहले मैं रोटी खा लूं फिर ठीक करा। रोटी खा के तू क्यों ठीक कर रहा है, एडा तू मसीहा होने ही आ। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब हमें अपनी इस बात को, अपनी इस कौमी आदत को बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए और इससे गुलू खलासी करानी चाहिए। ये जो है ना कि अपने मर्ज को, किसी भी मर्ज को सीरियसली ना लेना, टाइम पे एड्रेस ना करना, वक्त पे इलाज ना करवाना, ये इस कदर खौफनाक आदत बन गई हुई है कि हमारा जो मजमूई जो सेहत का बजट है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस आदत की नज़र हो रहा है कि हम लोग बर वक्त अपने मर्ज की अहमियत नहीं समझते, उसकी तशखीस खुद करने की कोशिश करते हैं और उसका इलाज भी खुद ही करने की कोशिश करते हैं इन जैसे चौधरियों के कहने पे। ये खाम खा के चौधरी, ये खाम खा के चौधरी है जी। हाँ। एमी को पीछे से कह देना चौधरी रास्ता दे, वो चौधरी पकाओगे। चौधरी गामू, इसका मैं बहनोई हूँ और इसका हूँ मैं मामू। ये कौन सा चौधरी जिसको खुद अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े। कोई कहे ये चौधरी है बंदा फिर मानता है। जैसे मुझे सारा जहान जानता है, छम्मा नाई। अच्छा, ये गांव के नाई है ना, ये भी गलत इलाज मुआवजा कराने में अपना रोल भरपूर तरीके से ये प्ले करने में कोई कसर नहीं छोड़ कोई कसर। ये नाई जो गांव में डॉक्टर बने होते हैं भाई, दुनिया में कहीं पर भी बीमारी होती है सबसे पहले जो जहन में आता है या जो काम करते हैं वो डॉक्टर से रजू करते हैं। ये हमारे यहाँ ये मर्ज है, ये मुसीबत है कि उस वक्त डॉक्टर के पास जाना है जब डॉक्टर कहता है कि आपने आने में बहुत देर कर ली, पारो अब दवा भी काम नहीं करेगी और दुआ भी काम नहीं करेगी। मैं सीरियस कह रहा हूँ, हमें इससे अपनी इस आदत से जान छुड़ानी चाहिए। इसकी कई एक वजह है, एक बुनियादी वजह तो ये है कि जब हमें अपने जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है हम उसको कई दिन तक तो सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हम ये समझते रहते हैं कि नहीं आप ही ठीक हो जाएगा। ये जो खुद ही ठीक होने वाली बात है ये सबसे बड़ी ये वजह है देर से तखीर से इलाज करवाने की। हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते हम यही देखते रहते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगी। खुद ही कैसे ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होती, खुद खराब होती है, खुद खराब होती जाती है वो। और फिर एक वजह ये भी है कि सो कॉल्ड हमने खुद ही सोच लिया हुआ है कि यार पैसे बड़े लगेंगे।
सही, एक मेन वजह भी है ना कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो वो बचा लें। अच्छा आप ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये भी गलत अप्रोच है हमारी कि जी पैसा पैसे से डरते रहना, उससे दुगने पैसे हम चिकन कढ़ाई खाने पे खर्च कर देंगे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और फिर एक और बात यार, टाइम ही नहीं मिलता, ऊपर से रही सही कसर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है यूट्यूब, और ये इन्होंने कर दिया। यूट्यूब पे जाके देखें आप तो कोई 14 करोड़ की मैं टोटके पे टोटका ठा टोटका, टोटके पे टोटका ठा टोटका। देखें असल बात ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क में 5 में से 2 मरीज मरने वाले, हॉस्पिटल पहुंच के मरने वाले 5 में से 2 मरीज ऐसे होते हैं जो तखीर से हॉस्पिटल पहुंचने पे जिनकी डेथ हो जाती है, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो शायद 5 में से 4 मरीज ऐसे हों जो पहले इन्हीं जैसे लोगों के हत्थे चढ़े हों। कहीं तो इस वजह से भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो डॉक्टर ने जाने मेरी रोटी मना कर देनी। ये मजाक की बात नहीं, हकीकत है। पहली बात तो ये है कि हम इसलिए भी डॉक्टर के पास जाने से या टेस्ट करवाने से गुरेज करते हैं कि अल्लाह ना करे कोई सीरियस मर्ज ना निकल, ठीक है। और दूसरा ये कि यार डॉक्टर के पास गए तो पैसा लगेगा, ये होगा। और तीसरी बात ये है कि उसने यार परहेज बता देना, उसने कहना है सिगरेट छोड़ दो, उसने कहना है आलू रोटी चावल चीनी छोड़ दो, तो यार अगर ये चीजें नहीं खानी तो फिर जीने का फायदा क्या, बंदा मारी जाए। एंड वो कहते भी यही है कि मरते जाना है बंदा खा के। ये फजूल बात है, ये जो फजूल बातें हैं ना ये मर्ज का बेड़ा गर्क करती हैं कि जनाब वो इस तरह के हमने ना बाज लतीफे या बाज कहावतें घड़ी हुई हैं कि यार सिगरेट पी के इतने साल जीना है तो उसके बगैर है तो सिगरेट के बगैर जीने का क्या फायदा। अच्छा गली मोहल्ले में ना एक बंदा ऐसा भी होता है जो बहुत सियाना होता है, और मैं तुम्हें दसा डॉक्टर को ना जाना, इन्हें तेरा गोश्त मना कर देना है। एक गरीब नु कहंदा गोश्त खा ते अमीर नु कहंदा ना खा। हालांकि सर हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि एक बंदा घर में बीमार नहीं होता, उस घर का हर फर्द उसके पीछे बीमार होता है। एग्जैक्टली यही बात है ना कि अपनी सेहत की अहमियत को समझने के लिए हम तैयार नहीं है, और दिन में 20 दफा कहते हैं कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। यार आप अपनी जान की अपनी सेहत की तो हिफाजत कर नहीं रहे। जुनैद साहब आप लोगों की डिस्कशन काफी अच्छी जा रही है, सो बीइंग एन एमबीबीएस डॉक्टर मेरी एक सबमिशन है अगर आपकी इजाजत हो तो। एक्चुअली आजकल मेल प्रैक्टिसिंग की एक बड़ी जो वजह है वो ये है कि लोग गूगल बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, वो बीमारी का नाम पढ़ते हैं कि हमें फलां बीमारी हुई है, हालांकि वो ये नहीं देखते कि रूट कॉज डिफरेंट हो सकती है। असल में गूगल ने पूरी कौम को, पूरी बल्कि दुनिया को वैसे गूगल डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर गूगल। वाकई क्या हम बीमारी का नाम सुनते हैं गूगल शुरू कर देते, और डॉक्टर साहिबान हमारे इस रवैये से बहुत तंग है। कई डॉक्टर्स ने तो लिख के लगाया हुआ है कि गूगल से बीमारी की डिटेल्स पढ़ के आने वाले मेरे क्लिनिक में तशरीफ ना लाएं। वो इतने तंग आए हुए हैं। अच्छा जो खबर लेने जाते हैं ना उनका भी एक प्रॉब्लम होता है, अंदर मरीज जो है ना बीमार है पकौड़ों की वजह से, और जो खबर लेने गए होते हैं वो बाहर पकौड़े खा रहे होते हैं। मेरा गिट्टा निकल गया था, ये छम्मे नाई ने ही ठीक किया है। क्या निकल गया था आपका? ये पाँव का गिट्टा। अच्छा मैं सोचा पता नहीं कह रही मेरा बेटा निकल गया। जब दूसरी बार कहा ना मुझे भी ऐसे लगा कि निक्का निकल गया था। जरा कॉम्बिनेशन देखे, आपा का गिट्टा और छम्मा नाई, बेचारे ने पट्टी भी ऐसे की होगी जैसे कनात नहीं लपेटते।